मुझे बहुत ही इमोशनल हो रहा है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? राइट क्वेश्चन। अभी भी पता नहीं, फ्लाइट में बैठ गए। कुछ स्वीट्स है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज है 30th of November और अभी हम सारा लगेज नीचे उतार रहे हैं, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। सो फीलिंग इमोशनल कम्फर्ट। सुमित बैग नीचे लेके जा रहा है। फाइनली हम निकल गए हैं और ये हमारे फ्रेंड आए हैं हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं। मुझे बहुत ही इमोशनल हो रहा है, सो सॉरी। सारा कुछ बैग लगेज रख दिया हमने। नो स्पेस, लॉट ऑफ थिंग्स। सो मल पेंसा। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। ये देखिए पीछे में फ्लाइट सब देख सक रहे हैं। तो हम लोग अभी पार्किंग में हैं। सुमित और उसके फ्रेंड गए हैं कार्ट लाने ताकि हम अपना लगेज ले जा सकें। बहुत सारा लगेज है, पता नहीं कैसे हैंडल करेंगे दोनों। सारा कुछ सुमित ने ही सब कुछ गाड़ी में ऊपर से नीचे ले के आया है, तो अभी हम दोनों को करना पड़ेगा। बहुत बुरा लग रहा था जब वहाँ से आ रहे थे। थोड़ा थोड़ा अच्छा, मतलब अब थोड़ा इमोशनल कम है, बट हाँ बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। कोई थे नहीं, फिर भी मुझे रोना आ रहा था। अकेले में मैं रो रही थी। तो चलिए सारा कुछ सामान लेके जाते हैं, अच्छे से बोर्डिंग पास ये सब ले लेते हैं, सामान को दे देते हैं सिक्योरिटी चेक, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मुझे टेंशन है ये बैगेज को लेके, क्योंकि बहुत सारा बैग है, थोड़ा बहुत अप डाउन है हमारा लगेज। पता नहीं अगर कुछ करना पड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। Let's go. Bye bye. See you soon. दो ट्रॉली जा रहे हैं। सभी हम चेक इन में आ गए हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है तो हमको जल्दी से ही लाइन मिल गया। अभी सभी चेक इन करेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। अभी सारा कुछ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वीज़ा ये सब चेक करें। सो सक्सेसफुली हमारा चेक इन सब कुछ हो गया वहाँ पे। बोर्ड हमें बोर्डिंग पास मिल गया, सारा बैगेज ठीक ठाक था। मुझे उसी चीज़ का डर था, बट ये हो गया। अभी हमारे पास जस्ट हमारा केबिन बैग्स है। तो चलिए अभी जाते हैं सिक्योरिटी चेकिंग करेंगे, वो भी एक बड़ा काम है। बट ये ज़्यादा बड़ा काम था मेरे लिए क्योंकि यहाँ पे अगर सामान निकालना पड़ जाता तो फिर हेडेक हो जाता। हेडेक चेकिंग हो गया। अभी हम आ गए हैं ड्यूटी फ्री सेक्शन में, उसमें देखते हैं क्या क्या खरीद सकते हैं हम लोग ड्यूटी फ्री से। हेलो, व्हाट यू नीड? मेमेंटोस, लिंडोर। तो अभी हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। हम अपने लाइन पे लगे हुए हैं, थोड़ी देर में बोर्डिंग होगा। उधर हमारा फ्लाइट खड़ी है, थोड़ा उनको दिख रहा है कि नहीं। लेट्स गो। बस लाइन में रख दिया, अभी स्टार्ट नहीं किया, सबको लाइन में खड़ा कर दिया अलग अलग। ये हमारा ई जोन है, उस साइड में सी डी एफ सबको लगे हुए हैं। हम जा रहे हैं एमिरेट्स फ्लाइट से और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है एमिरेट्स। लेट्स सी कैसा होता है। सभी ने तो बोला बहुत अच्छा होता है, बट अपने एक्सपीरियंस करके बताएंगे आप। हेलो मैडम। हेलो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बोनजोर्नो। बोनजोर्नो। बोर्डिंग पास। सी। बन बोलो। थैंक यू। Let's go to inside the flight. Sumit kabhi ho gaya hai.
This one's welcome on board for this second. Thank you. हैप्पी हो? कहाँ जा रहे हो बता दो मेरे दोस्तों को अपने मुंह से। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? राइट क्वेश्चन। अभी भी पता नहीं, फ्लाइट में बैठ गए पता नहीं। आई कैन सी सी हियर हियर से मिला टू न्यूयॉर्क। ओके अभी स्टार्ट हो गया movies, what kind of movies we have, let's see, Kids, New Village, लगभग मिलान के रात के एक या दो बजे बस पहुँच गए। तो क्या क्या होता है फ्लाइट में, कैसा रहता है जर्नी? मेरा सर दर्द कर अभी से कर रहा है, सब लोग बैठ गए हमारे बगल में, दो सीट अभी खाली है, देखते हैं। अदरवाइज मैं सुमित को बोल रही थी मैं तो आराम से लेट जाऊंगी, बट सुमित बैठे जल्दी से। मैंने कान में लगाया क्योंकि इतना आवाज़ हो रहा है ना, मेरा सर ऑलरेडी दर्द हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि और दर्द हो। कान में मेरा बहुत प्रेशर आता है जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है तो या लैंड करता है उस टाइम, तो देखते हैं दो जन बगल में आता है तो अच्छा है, अदरवाइज भरी हुई है फ्लाइट काफ़ी। क्या है इसके अंदर में? मास्क, सॉक्स, आँख के लिए पैड है, सॉक्स है, आईपैड है, आँख बंद करने के लिए, और ब्रश है, कोलगेट है, और कुछ नहीं है। और ये देखिए कैमरा में हम देख सकते हैं कैसे फ्लाइट टेक ऑफ करेगा, ये फ्लाइट सब सामने का है, अभी टेक ऑफ नहीं करेगा, अभी जाएगा, अभी तो रनवे में थोड़ा कटेगा, उसके बाद तो मैं दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा आप लोगों को। बच्चे लोगों के लिए खींच रहे हैं, बट मैंने भी बोला कि मुझे भी चाहिए तो अभी देखो आएगा थोड़ी देर में, धीरे धीरे आ रहा है। ये हमारा फोटो अच्छे से आ रहा कि नहीं, बोल बैठो आर यू एंजॉय वो वीडियो ले रहा हूँ। हाँ मैं कपिल शर्मा, सो चिप्स सॉरी स्नैक्स और ड्रिंक, मजा आ रहा है। दे गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स, हां दे गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स, या नो नो दिस हैज नॉट गिवन बाय देम, दिस इज आवर्स। सो हमारा मील आ गया है और ये फर्स्ट मील है, यहाँ पे मैंने लिया जूस वाटर, ये है खाना, यहाँ पे है लैम्ब और पोटैटोस और बीन्स, पे कुछ राइस दिए हुए हैं एंड यहाँ पे कुछ स्वीट्स है, क्रम्बल, ओके स्ट्रॉबेरी क्रम्बल कुछ स्वीट्स हैं, यहाँ पे है मिनरल वाटर, मिनरल वाटर, यहाँ कुकीज, ये ब्रेड, वाटर,
cheese, everything. Let's start. खाना कैसा है बताओ? Lamb try किया? No, no. बड़े करो. मैं lamb curry के साथ थोड़ा सा bread खा रही हूँ. अच्छा लग रहा है. Spicy है. हमारा कस्टम वगैरह हो गया इमिग्रेशन का और अभी हम बैगेज के लिए खड़े हैं और मैं व्हील चेयर ली हूँ क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, चलने का हिम्मत नहीं था तो मैंने व्हील चेयर के लिए रिक्वेस्ट किया तो मुझे मिला. इससे थोड़ा सा हेल्प हुआ कि थोड़ा सा जल्दी हुआ बट उतना भी जल्दी नहीं हुआ, थोड़ा कम लोग थे. पता नहीं अब बैगेज कितने देर में मिलेगा. सुमित तो वहाँ पर कार्ट लेने के लिए खड़े हैं क्योंकि 7 बैग्स है हमारा, तो फिर नहीं जाएगा. और मुझे बहुत नींद भी आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है. चलिए देखते हैं क्या होता है, टैक्सी लेनी उसके बाद फिर जाके पहुँचेंगे. फाइनली हम पहुँच गए अपने रूम में. कितना बज रहा है? 9 बज रहे हैं और 30 मिनट्स लगा एयरपोर्ट से हमें आने में हमारा एयरबीएनबी में. और अभी श्रमित सारे बैग्स अंदर कर रहे हैं तो हमने एयरबीएनबी लिया है, इधर श्रमित बैग कर रहे हैं. मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे गाड़ी में भी अभी अजीब सा सर दर्द और मुझे अंदर से लग रहा है कि वॉमिट करूँगी, फील हो रहा था. तो चलिए, तो हम लोग फाइनली न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं और यही था हमारा ट्रैवल. आप लोग के साथ शेयर करना था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा. और हमें मुझे शुरू शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था, जर्नी बहुत स्मूथ जा रहा था, इमिरेट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, सर्विस बहुत अच्छा था. बट पता नहीं जब लैंड करने लगा उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब हो गई. तो बट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ सब सही था, स्पेस अच्छा था और खाली भी थी तो मैं लेट के भी आई हूँ. और बाथरूम वगैरह बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा थे तो आपको ज़्यादा लाइन लगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी. तो और ये जो हमारा घर है इसके सामने में देखिए ट्रेन जा रहे हैं, तो इसका ये एक डिमेरिट्स है इस घर का. बट हमें पता था, हमें बताया गया था बट फिर भी हमने लिया है क्योंकि कोई उपाय नहीं था. तो चलिए आज का ब्लॉग को ही पेंट करते हैं. आई होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अच्छे अच्छे ब्लॉग्स नेक्स्ट देख सकोगे. हम लोग यहाँ पे कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे हम लोग यहाँ सेटल हो रहे हैं, सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे. मैं कोशिश करूँगी करने की. तो चलिए बाय, सी यू सून. मुझे बहुत बहुत ख़राब लग रहा तो मैं टायर्ड हो गई, जाके रेस्ट लेती हूँ. बाय बाय.